क्या व्यष्टि चेतना और समस्त चेतना एक ही है या अलग अलग है? क्या आपने दोनों का अनुभव किया है? यदि हाँ तो आपने क्या तथ्य पाए हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। जगदीश्वर उपाध्याय, पंजाबी बाग, दिल्ली। मैं इस संबंध में दो तीन बुनियादी बातें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस प्रश्न को सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पूछा है क्या व्यक्तिगत चेतना समस्त यानी इस संपूर्ण अस्तित्व की चेतना से अलग है अथवा नहीं, और पूछा है क्या इनका अलग अलग अनुभव किया जा सकता है, और पूछा है क्या आपको इनका अलग अलग अनुभव है, और व्यक्तिगत चेतना का अनुभव क्या है और समस्त चेतना का अनुभव क्या है। स्वयं को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। इसका मतलब स्वयं की चेतना और परम चेतना में बहुत गहरा तालमेल है, यानी स्वयं की चेतना और परम चेतना में वही संबंध है जो विद्युत ऊर्जा में और उस विद्युत ऊर्जा में है जो इस बल्ब में जल रही है। विद्युत ऊर्जा एक ही है, उस विद्युत ऊर्जा से समस्त संसार संचालित हो रहा है, फैक्ट्री कारखाने सब चल रहे हैं, उसी विद्युत ऊर्जा से ये बल्ब भी जल रहा है, ये भी बल्ब जल रहा है, ये भी बल्ब जल रहा है। जब इस बल्ब में विद्युत ऊर्जा आ गई तो वो व्यष्टि की हो गई, व्यक्तिगत हो गई, और जब संपूर्ण अस्तित्व को संचालित कर रही है तो वो परम ऊर्जा है, यानी वही परम ऊर्जा इस व्यक्तिगत ऊर्जा में व्यक्त हो रही। अब प्रश्न उठता है दोनों के अनुभव का, उस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके अनुभव का एक ही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग आज तक पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी पर। चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, तीनों योगों में एक चीज कॉमन है। वो जो कॉमन चीज है वो समझ ले। कर्म योग क्या है? जो आप कर्म कर रहे हैं, सारा ध्यान सारी ऊर्जा उस कर्म में लगा देते हैं तो वो उस कर्म को करना ही कर्मयोग बन जाता है। तो कर्म में क्या जोड़ा आपने कर्म को कर्मयोग बनाने में? ध्यान, यानी सारा ध्यान कर्म पे गया तो कर्म करना कर्मयोग बन गया, फल पे नहीं जा रहा ध्यान, ध्यान कहाँ जा रहा है? कर्म पे जा रहा है, तो कर्मयोग बन गया कृष्ण का कर्मयोग। और भक्ति योग क्या है? भक्ति का आधार है प्रेम, जिससे आपको प्रेम होता है उसी के प्रति आपकी भक्ति होती है। प्रेम भक्ति कब बनता है? जब सारा ध्यान सारी ऊर्जा आप अपने प्रेमी पर लगा देते, यानी कुछ बचे ही ना, संपूर्ण ध्यान प्रेमी पे, स्वयं को मिटा देते हैं और प्रेमी कैसे खुश हो जाए, कैसे आनंदित हो जाए। आप लोगों को प्यार का अनुभव होगा, हर व्यक्ति को किसी न किसी स्टेज पर प्रेम का अनुभव हुआ होगा। जिससे आपको पहली बार प्रेम हुआ होगा उसको खुश करने के लिए क्या भाव आपके प्राणों में आता है? जिससे आपको प्रेम हो जाता है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप उसके सामने स्वयं को मिटा देते हैं, उसकी खुशी आपकी खुशी, वो कैसे और अधिक खुश हो जाए, कैसे और अधिक खुश हो जाए, यानी आपने पूरा ध्यान अपने प्रेमी पर या अपनी प्रेमिका पर लगा दिया। अब वो प्रेमी कृष्ण भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, कोई भी हो सकता है। जब आप राम या कृष्ण पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं तो वो प्रेम जो कृष्ण के प्रति है उस प्रेम में आपने ध्यान को जोड़ दिया, यानी पूरा ध्यान उसमें लगा दिया, तो वो प्रेम भक्ति योग बन जाता है। यानी प्रेम के साथ आपने ध्यान जोड़ दिया तब प्रेम योग यानी भक्ति बन गया। और तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? जो विचार करते हैं, मैंने कहा ज्ञान कब प्रकट होता है? जब विचार शून्य हो जाते हैं, तब आपके भीतर से ज्ञान अनुभव, अनुभव इस अस्तित्व का अनुभव प्रकट होता है, स्वयं का अनुभव प्रकट होता है जब विचार शून्य हो जाते हैं। और विचार शून्य कब होते हैं? जब विचार के साथ ध्यान जोड़ देते हैं,
पूरा ध्यान विचारों पर लगा दीजिए, तब क्या होगा, विचार शून्यता आएगी। उस विचार शून्यता के परिणाम स्वरूप क्या प्रकट होगा, स्वयं का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो सच्चे अर्थों में जिसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान योग। यानी विचारों के साथ जब ध्यान जोड़ा आपने तो ज्ञान योग हो गया। यानी तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या, ध्यान, ध्यान, ध्यान। ध्यान तो अनिवार्य शर्त है, ध्यान तो औषधि है, महा औषधि है। आप जैसे किसी वैद्य के पास आप जाते हैं, वो कोई औषधि देता है तो कभी कहता है इसको पानी के साथ ले लेना, कभी कहता है इसको दूध के साथ ले लेना, कभी कहता है इसको शहद के साथ ले लेना, पानी, दूध, शहद। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति क्या है, पानी, दूध, शहद, और औषधि क्या है, ध्यान। तो ध्यान की औषधि आपको लेनी है, ध्यान की औषधि लेनी है। और ध्यान की औषधि आप चाहे कर्म के माध्यम से लो, चाहे ज्ञान के माध्यम से लो, चाहे प्रेम के माध्यम से लो, मुख्य औषधि ध्यान है। और मैं आपको चौथी बात बताना चाहता हूँ। आपके प्राणों में ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिर मेरा मार्ग क्या है, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, मैं औषधि को किस माध्यम से लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं इन तीनों में से नहीं हूँ, मेरा मार्ग चौथा है। वो चौथा क्या है, दवा सीधे गटक लो। दवा सीधे गटकने का तरीका क्या है, साक्षी भाव में जीना, साक्षी भाव में जीना, साक्षी भाव में जीना। अब कोई सीढ़ी साड़ी माध्यम लेने की जरूरत नहीं, दवा को सीधे गटक लो, सीधे साक्षी भाव से विश्राम पूर्ण हो जाओ। लर्न टू रिलैक्स, लर्न टू बी अवेयर। जब आप विश्राम पूर्ण अवस्था में आंख बंद करके बैठते हैं, बैठते रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, जब ध्यान गहराता है, तो पहले आप, अभी आप चेतन अवस्था में, जो व्यक्तिगत चेतन अवस्था है, इस चेतन अवस्था से फिर आप अपने व्यक्तिगत अचेतन में प्रवेश करते हैं। एक बहुत गहरा अचेतन है, आपका सिर्फ 5% जागा हुआ है, पूरी जिंदगी 5% जागी हुई है, जो चेतना का जगत आपका जो है, जो चेतन हिस्सा है आपके मन का, वो सिर्फ 5% है आपके पूरे मन का। 95% मन का हिस्सा आपका अचेतन में है, सोया हुआ है, अंधेरे में है, सिर्फ 5% उजाले में जी रहे हो आप। उसी में ये सब कर्म कर लेते हो, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, दुकान चलाना, फिर हमेशा हमेशा के लिए सो जाना। ये 95% सोया हुआ है, इसे अधिक से अधिक जगाया जा सकता है। इस 95% में क्या क्या है, गहरा अचेतन, आपका मन का 95% हिस्सा जो अचेतन है, सोया हुआ है। जब आप ध्यान में और गहरे जितना ही विश्राम पूर्ण होते जाते हैं, उतना ही गहरे आप उतरते हैं। तो जब पहली परत में उतरते हैं अचेतन की, तो वो व्यक्तिगत अचेतन होता है। जैसे जिन लोगों को अनुभव होगा, कई मित्र यहाँ आए हैं जो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं पिछले कई सालों से, उन्हें अनुभव है। जब कोई 10 मिनट से 15 मिनट ध्यान में उतरते हैं, तो उनके भीतर कभी कभी कुछ हिलना डुलना होने लगता है, हल्का सा कंपन होता है, या उनके आंसू निकलने लगते हैं। जब उनका व्यक्तिगत अचेतन जागता है, तो जो कुछ अचेतन में दबा है, वो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलता है। व्यक्तिगत अचेतन किसी प्रकार की मुद्राएं बन सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा होता है। और जब आप और गहरे जाते हैं, तब आप सामूहिक अचेतन में प्रवेश करते हैं। तब जैसे कोई नृत्य हो रहा हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे नृत्य हो रहा है और आप उस नृत्य के हिस्से हो गए हैं। यानी ये जो इतने सारे मनुष्य हैं जिनकी चेतना आपसे किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है, उस वो सब चेतनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आप गहरे उतरते हो, तो सामूहिक अचेतन में आपको ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे आप इस अस्तित्व के एक हिस्से हो गए। ये कोई आधा घंटा आपको जब ध्यान में अभ्यास हो जाएगा, आधा घंटा जाओगे, तो इस तरह की प्रतीति आपको होगी। और जब और गहरे अचेतन में जाओगे, तब जब ये संपूर्ण अस्तित्व की चेतना
से आपका संपर्क होगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि नाच चल रहा है, नाच के हिस्से हो गए। तब आपको लगेगा कि जैसे मैं समस्त के साथ एक हो गया हूँ, आपको लगेगा ये विराट अस्तित्व मैं ही हूँ। और जब उस अवस्था में तुम पहुँचते हो, आपको लगता है जब आप विराट अस्तित्व के हिस्से हो जाते हो एक, तभी ये भाव उठता है हम ब्रह्मास्मि, यानी ये सब का अंग नहीं हूँ मैं, ये सब मैं ही हूँ। ये लगेगा कि ये सब मैं ही हूँ और ये सब जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये मेरा ही अंग है। और इसी को कहते हैं समस्त की चेतना का अनुभव करना। एनफ फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।